हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल करियर एकेडमी। बेटा, आज की जो हमारी नेम रिएक्शन रहेगी वो क्या रहेगी? असाइलोन कंडेंसेशन। क्या रहेगी? असाइलोन कंडेंसेशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी? एल्डोल कंडेंसेशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी बेटा? एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो असाइलोल कंडेंसेशन है, असाइलोन कंडेंसेशन वो होता क्या है? असाइलोन कंडेंसेशन होता क्या है? तो इसमें क्या कह रहा है? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर आर रिफ्लक्स्ड विद मेटालिक सोडियम इन एप्रोटिक सॉल्वेंट, देन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कॉल्ड असाइलोन्स आर फॉर्म। ठीक है, मतलब ये बेसिकली रिएक्शन किसकी है? एस्टर की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है बेटा? एस्टर की रिएक्शन। और किसकी प्रेजेंस में? सोडियम मेटल की प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस में? सोडियम मेटल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो एक बार देखो होगा क्या इसमें। पहले हमारे पास क्या है? मान लो दो मॉलिक्यूल है। किसके बेटा? एस्टर के। टू मॉलिक्यूल ऑफ CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ C2H5। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल क्या है? एस्टर के। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? सोडियम मेटल, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ जाइलिन या फिर क्या कर सकते हैं बेटा? टोल्यूइन। ठीक है, आया ना? अरे समझ में आया या नहीं? तो हमें क्या मिलेगा बेटा? पहले तो डाई कीटोन। क्या मिलेगा? डाई कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, आया ना? पहले तो हमें क्या मिलेगा? डाई कीटोन। इसकी फर्दर रिएक्शन किसके साथ करवाएं? सोडियम मेटल के साथ। फर्दर रिएक्शन किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। तब हमें क्या मिलेगा बेटा? जो एक कीटोन है उसका वो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आर सी ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, साथ में क्या? सी डबल बॉन्ड ओ आर। और यहां पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? हाइड्रोजन। नहीं सॉरी, हाइड्रोजन नहीं आएगा, डबल बॉन्ड सी आर ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव। ये बना जो डाई कीटोन है उसकी रिएक्शन फर्दर किसके साथ करवाएंगे हम? सोडियम के साथ। तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ? कोई ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास क्या हो? एच प्लस आयन। क्या हो बेटा? एच प्लस आयन। नॉर्मली हम क्या ले लें? एसिटिक एसिड ले लें। ये भी क्या देगा? एच प्लस आयन। क्या बना देगा? आर सी एच ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो ये क्या बन गया? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? असाइलोन। क्या बोलते हैं? असाई अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, तो रिएक्शन किसके बेटा? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, मतलब जब हम एस्टर की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ जाइलिन या फिर टोलिन। क्योंकि ये क्या है? एप्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसे सॉल्वेंट की प्रेजेंस बेटा? एप्रोटिक। क्या मिलेगा हमें? डाई कीटोन मिला। क्या मिला हमें? डाई कीटोन। अब जो ये डाई कीटोन मिला है इसकी फर्दर रिएक्शन किसके साथ बेटा? सोडियम के साथ। तो हमें क्या मिला? सोडियम साल्ट मिला। क्या मिला? रेस्पेक्टिव सोडियम साल्ट। अब जो ये रेस्पेक्टिव सोडियम साल्ट मिला है, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ? ऐसे सॉल्वेंट के साथ जो क्या दे? एच प्लस आयन। नॉर्मली हम क्या यूज कर रहे हैं? एसिटिक एसिड। तो किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा? असाइलोन की। किसकी फॉर्मेशन होगी? असाइलोन की। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका मैकेनिज्म करते हैं। जल्दी करो बेटा। ठीक है, आया ना? अरे कर लिया या नहीं? कर लिया तो देखो बेटा, मैकेनिज्म करते हैं इसका एक बार। देखो होता क्या है, जैसे हमारे पास है आर सी ओ सी टू एच फाइव डबल बॉन्ड ओ, एस्टर है। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल होगा सी डबल बॉन्ड ओ आर और ओ सी टू एच फाइव। ठीक है, आया ना? अब हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे बेटा? सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं? सोडियम मेटल के साथ। अब मेटल है, मेटल का काम क्या है? रिडक्शन करना। मेटल का काम क्या है बेटा?
रिडक्शन करना। तो हमने क्या ले लिए, दो सोडियम मेटल ले लिए 2Na, तो दो सोडियम मेटल क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या देंगे, दो इलेक्ट्रॉन क्या बना देंगे, आर सी ओ सी टू एच फाइव, यहां पे क्या आ जाएगा रेडिकल, और यहां पर ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही यहां दूसरा मॉलिक्यूल भी कन्वर्ट हो जाएगा, आर सी ओ सी टू एच फाइव ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, और यहां पे क्या आ गया बेटा रेडिकल। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना जल्दी से बताओ, अरे हाँ या ना। अब होगा क्या बेटा, जो ये रेडिकल है वो क्या हो जाएंगे, रेडिकल से कंबाइन हो जाएंगे, रेडिकल क्या हो जाएंगे, रेडिकल से कंबाइन क्या बन जाएगा, आर सी ओ सी टू एच फाइव सी ओ सी टू एच फाइव आर ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। अब होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज आया ऑक्सीजन पे, ये क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, ये यहां पर ये बाहर, ऐसे ही ये यहां पर और ये बाहर, क्या बन जाएगा बेटा, यहां से डाइकीटोन बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, डाइकीटोन बन गया ना, हाँ या ना जल्दी से बताओ, ये ना समझ में आया, और बाहर क्या निकला, टू मॉलिक्यूल ऑफ C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, समझ में आया, अरे हाँ या ना। अब देखो बेटा, अगर फर्स्ट जो मैकेनिज्म देखें तो हुआ क्या, यहां पे जो सोडियम मेटल था उसने एक 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 इलेक्ट्रॉन दिया, तो दो सोडियम मेटल क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन देंगे, हाँ या ना। तो यहां पे होता क्या था, जो ये बॉन्ड है पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, ये क्या करेगा, होमोलिटिकली क्लीव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, हाँ या ना। ये तो जब होमोलिटिकली क्लीव किया तब, अब जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इस पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव नेगेटिव आ गया। इतना समझ में आया या नहीं, हाँ या ना जल्दी से बताओ, अरे हाँ या ना, पक्का आ गया समझ में। अब फर्दर रिएक्शन क्या बेटा, फिर से सोडियम मेटल के साथ, फिर से रिएक्शन किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ 2Na। अब फिर क्या होगा, ये बॉन्ड कैसे क्लीव करेगा, होमोलिटिकली करेगा, ये भी होमोलिटिकली करेगा, लेकिन सोडियम इलेक्ट्रॉन इस केस में भी किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा, एक इसको देगा और एक सोडियम दूसरा इसको देगा, क्या बना देगा, आर सी डबल बॉन्ड सी आर ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव, और साथ में क्या आ जाएगा, एन ए पॉजिटिव एन ए पॉजिटिव। समझ में आया या नहीं, आया ना जल्दी से बताओ, दिख तो रहा है ना, ये जल्दी से बताओ, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है, आया ना जल्दी से बताओ बेटा, दिख रहा है नहीं। अब देखो, अब हमने लास्ट स्टेप में क्या लिया था, इसकी रिएक्शन करवाई थी ऐसे कॉम्प्लेक्स के, मतलब मॉलिक्यूल के साथ जिसके पास क्या हो, H प्लस आयन हो, मतलब एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, एक इसको देगा और एक इसको देगा, क्या बना देगा, R C डबल बॉन्ड C R O H और O H, ठीक है, हाँ या ना। अब क्या करवा दो, टोटोमेरिज्म, ये यहां पर और ये यहां पर, क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O C H O H R, समझ में आया या नहीं, हाँ या ना जल्दी से बताओ। तो ये क्या बन गया हमारे पास, असाइलोन, क्या बन गया बेटा, असाइलोन, मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्या बन गया बेटा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, समझ में आया या नहीं, आया ना जल्दी से देखो।
देखो दोबारा देख लेना बेटा, एस्टर है, दो मॉलिक्यूल लिए, रिएक्शन किसके साथ, दो सोडियम मेटल के साथ, किसके साथ, दो सोडियम मेटल के साथ, एक मेटल एक पहले तो होगा क्या, ध्यान क्या रखना, जो कार्बोनिल कार्बन है ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, ये क्या करेगा, होमोलिटिकली क्लीव करेगा, ये भी होमोलिट, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ बनेगा, हाँ या ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो जब सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको ही देगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे क्या बन जाएगा, रेडिकल, इस पे रेडिकल और यहां पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब रेडिकल किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, रेडिकल के साथ क्या बन गया, ये बन गया। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, सेकेंड स्टेप में रीअरेंज, ये यहां पर, ये बाहर, ठीक है, फिर से वही स्टेप फॉलो होगा जो फर्स्ट वाला था, ठीक है। तो ये क्या है, असाइलोन कंडेंसेशन, ये क्या है बेटा, असाइलोन कंडेंसेशन, जल्दी से समझ में आया नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से ले लो, कर लोगे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारे पास क्या है, पीएच टू का होल एन सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव, सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव, ये भी क्या है, डाइएस्टर, ये भी क्या है, डाइएस्टर, लेकिन ध्यान के रखना है ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, मतलब ये क्या हो गया, इंट्रा मॉलिक्यूलर असाइलोन कंडेंसेशन, क्या हो गया, इंट्रा मॉलिक्यूलर असाइलोन कंडेंसेशन, रिएक्शन किसके साथ, वही सोडियम, या तो जाइलिन ले ले या फिर टोलिन ले ले, C6H5CH3, क्या ले लिया, या तो जाइलिन या फिर टोलिन, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा, वही एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, हाँ या ना, रिएजेंट ध्यान रखना सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ जाइलिन टोलिन, ठीक है, या फिर कोई ऐसा सोलेंट जिसके पास क्या हो, H प्लस आयन ना हो, मतलब पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, कैसा सोलवेंट बेटा, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या लेना है, एसिटिक एसिड, सेकंड स्टेप में क्या लेना है, एसिटिक एसिड। अब होगा क्या, जो डाइएस्टर है उसमें क्या हो जाएगा, अरे नॉर्मल सा है, रिडक्शन होगा और क्या बनेगा, असाइलोन, और यहां पे जो असाइलोन है वो इंट्रामोलिकुलर बनेगा, तो क्या बनेगा, CH2 का होल एन एज इट इज, आया ना, एक जो एस्टर है वो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल में, कीटोन में, मतलब एक एस्टर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, जो दूसरा है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल में, पर क्या बन गया, असाइलोन बन गया, क्या बन गया बेटा, असाइलोन, समझ में आया या नहीं, आया ना, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, थोड़ा इसको साइड में लिख लेते हैं, क्या बन गया, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, समझ में आया, आया ना, जल्दी से बताओ, तो ये क्या थी हमारी, असाइलोन कंडेंसेशन रिएक्शन थी, ये क्या थी बेटा, असाइलोन कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, कर लोगे, अरे हाँ या ना, जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ, कर लोगे ना, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा, सॉरी, नेक्स्ट रिएक्शन है अर्नर्ट एस्टर रिएक्शन, नेक्स्ट क्या है बेटा, अर्नर्ट एस्टर रिएक्शन, ठीक है, हाँ या ना, ये रिएक्शन किसके बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, ठीक है, होगा क्या, ध्यान क्या रखना है इसमें, लेकिन जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा RCOH, ठीक है, आया ना, इसकी रिएक्शन किसके साथ बेटा,
डिफरेंट रिएजेंट है, फर्स्ट है थायोनिल क्लोराइड SOCl2, सेकेंड है डाइएजो मीथेन CH2N2, ठीक है, फर्स्ट है थायोनिल क्लोराइड, सेकेंड है डाइएजो मीथेन, ठीक है, फिर क्या दे रखा है बेटा, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O और देन वॉटर मॉलिक्यूल, फोर्थ वॉटर, क्या बन जाएगा, बनेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, लेकिन जो कार्बन एटम है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कार्बन एटम इंक्रीज, और कितना कार्बन, वन कार्बन एटम, कितना इंक्रीज हो जाएगा बेटा, वन कार्बन एटम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, हाँ है ना, तो ये क्या है, अर्नट एस्टर रिएक्शन, या फिर इसको बोल देते हैं अर्नट एस्टर सिंथेसिस भी बोल देते हैं, बेसिकली इसका यूज क्या है, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करते हैं, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या करते हैं बेटा, हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करते हैं, बेसिकली जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं, इना समझ में आया है नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी करो, ठीक है, इतना समझ में आ गया, अब देखो बेटा होगा क्या, और ये ध्यान रखना है, जो यहां पे डाइएजो मीथेन है इसके मॉलिक्यूल कितने लेते हैं, टू मॉलिक्यूल लेते हैं, कितने लेते हैं बेटा, टू मॉलिक्यूल, अब अगर मैकेनिज्म की बात करें, किसकी बात करें बेटा, मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो इसको रब कर दे एक बार, आया ना, या फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते, थोड़ा सा और साइड में करते, ठीक है, अब देखो बेटा मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म क्या कहता है, हमारे पास क्या है बेटा, RCOOH है, RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाएं, SOCl2, किसके साथ करवाएं, थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो हमें पता है क्या बनेगा, सबसे पहले एसिड क्लोराइड बनेगा, RCOCl, क्या बनेगा बेटा, RCOCl एसिड क्लोराइड बनेगा, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो जाएगा, सेकंड स्टेप में क्या आता है बेटा, डाइएजो मीथेन CH2 नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पर पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, डाइएजो मीथेन, ठीक है, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, अरे समझ में आया है नहीं, तो होगा क्या, हमें पता है जो कार्बोनिल कार्बन है, क्या है बेटा, कार्बोनिल कार्बन है, वो कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, हाँ है ना, ये यहां पर क्या बन जाएगा, आर सी ओ नेगेटिव सी एल और यहां पे क्या आ जाएगा, सी एच टू एन ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ठीक है, अब ये यहां पर और ये बाहर क्या बन गया बेटा, R C डबल बॉन्ड O CH2 N, ये बन गया, ठीक है, हाँ या ना, इतना समझ में आया, अब हमने क्या ले रखा है, एक मॉलिक्यूल और ले रखा है बेटा, डाइएजो मीथेन का क्या कर रखा है, एक मॉलिक्यूल और ले रखा है, हाँ या ना, एक मॉलिक्यूल ले रखा है, अब एक मॉलिक्यूल दोबारा आएगा डाइएजो मीथेन CH2N2, लेकिन यहां पे ध्यान क्या रखना है, जो अब डाइएजो मीथेन का सेकेंड मॉलिक्यूल आएगा वो कैसे बिहेव करेगा बेटा, एज ए बेस बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा, एज ए बेस, और लेके क्या जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन, कौन सा है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, तो क्या बना देगा, देखो एक बार जल्दी से, R C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव और N2, ये बन गया, हाँ है ना, अब जो N2 होता है ना वो क्या होता है बेटा, गुड लिविंग ग्रुप, जो हमारा N2 है वो क्या है, हमारा गुड लिविंग ग्रुप, इतना समझ में आया या नहीं,
आया ना, तो होगा क्या, ये जाएगा क्या बना देगा माइनस एन टू, क्या लेके गया इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो यहां पे क्या बन जाएगा बेटा कार्बीन, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, और ये क्या बन गया बेटा कार्बीन बन गया, क्या बन गया कार्बीन। तो कोई तुमसे नॉर्मली पूछे अर्नाट एस्टर रिएक्शन है, उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनेगा कार्बीन बनेगा, क्या बनेगा कार्बीन। इतना समझ में आया या नहीं, हाँ या ना जल्दी से बताओ, अरे हाँ या ना जल्दी बताओ, आ गया समझ में, ठीक है ना। अब देखो बेटा ध्यान क्या रखना है आपको, जो हमारे पास अर्नाट एस्टर रिएक्शन है उसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है कार्बीन बन रहा है, क्या बन रहा है कार्बीन, ठीक है। तो अब ध्यान क्या रखना है आपको, जैसे कि अगर हम बात करें सिल्वर ऑक्साइड ले रखा है Ag2O, क्या ले रखा है सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, तो इसकी प्रेजेंस में यहां पे होगा क्या रीअरेंजमेंट, क्या होगा बेटा रीअरेंजमेंट, ठीक है समझ में आया है नहीं। तो होगा क्या, ये यहां पर और ये यहां पर क्या बन जाएगा R CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ बन गया। अरे हाँ या ना जल्दी से बोलो, अरे जल्दी से बताओ, इसको क्या बोलते हैं कीटीन, क्या बोलते हैं बेटा कीटीन, समझ में आया है नहीं, आया ना कीटीन बन गया। अब कीटीन का लास्ट स्टेप क्या था, हाइड्रोलिसिस करवाते थे, कीटीन का लास्ट स्टेप क्या था बेटा हाइड्रोलिसिस, H2O क्या बन जाता था कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन जाता था बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या थी अर्नाट एस्टर रिएक्शन, ये क्या थी बेटा अर्नाट एस्टर रिएक्शन, जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं, आया ना, जो मैकेनिज्म है उसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है समझ में आया बेटा। तो ये क्या है बेटा अर्नाट एस्टर रिएक्शन, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, हमने अब जो कीटीन है उसकी रिएक्शन H2O के साथ करवाई तो क्या बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, क्या बन गया बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। लेकिन अगर हम रिएजेंट चेंज कर दे, क्या कर दे रिएजेंट चेंज कर दे, तो एक मिनट रुकना, जैसे कि अगर हम बात करें एक बार रुकना बेटा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, रुको रुको रुको, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है बेटा, जो हमारे पास कीटीन बनता है ना, क्या बनता है कीटीन, आर सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, ठीक है ये क्या बन गया हमारे पास कीटीन बन गया, क्या बन गया बेटा हमारे पास कीटीन। अगर इसकी रिएक्शन हम H2O के साथ करवाएं तो ये तो पता चल गया क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन अगर कोई कहते हैं हमें अमोनिया के साथ करवाओ कीटीन की, तो क्या बन जाएगा इस केस में अमाइड CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, क्या बन जाएगा अमाइड। दूसरा हमें कहे इस कीटीन की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाओ R-OH, तो इस केस में क्या बन जाएगा R CH2 C डबल बॉन्ड O O R-, यहां पे क्या बन गया एस्टर, यहां पे क्या बन गया बेटा एस्टर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ये चीजें, कीटीन की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाई तो क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया के साथ करवाई तो क्या बन गया अमाइड बन गया, एल्कोहल के साथ करवाई तो क्या बन गया एस्टर बन गया, क्या बन गया एस्टर, समझ
समझ में आया या नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, कर लोगे? अरे कर लोगे ना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा एक बार। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, मान लो ऐसा कुछ है। ठीक है, हाँ या ना। यहां पे क्या ले रखा है हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड ले रखा। रिएक्शन किसके साथ, SOCl2। और सेकंड स्टेप में क्या ले रखा है, CH2N2, डाइएजो मीथेन। ठीक है, तो यहां पे तो क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच एन टू सी एच टू एन टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू एन टू। ठीक है, आया ना, या फिर सॉरी सी एच एन टू करो, सॉरी सी एच एन टू। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, Ag2O के साथ। फिर क्या है, फर्स्ट टाइम में ये, तो इसमें क्या बन जाएगा, कीटीन। क्या बन जाएगा, कीटीन। क्या जाएगा, सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अब क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड विद इंक्रीज इन वन कार्बोनेट, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ। समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ, कर लोगे ना। तो अर्नेट एस्टर रिएक्शन में क्या होता है बेटा, नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। लेकिन वहां पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं बेटा, इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, समझ में आया या नहीं, कर लोगे, अरे कर लोगे ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। COH OCH3 OCH रिएक्शन किसके साथ, SOCl2 CH2N2 Ag2O और हाइड्रोलिसिस। क्या बन जाएगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके साथ एक कार्बन और एक्स्ट्रा, CH2COOH बना, और यहां पे क्या आ जाएगा, OCH3 और OCH3। कर लोगे, आया ना। तो ये क्या थे बेटा, कुछ एक क्वेश्चन थे किसके, अरे किसके थे, अर्नाट एस्टर्ट रिएक्शन के। तो आज हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी बेटा, असाइलोन कंडेंसेशन और अर्नाट एस्टर सिंथेसिस, असाइलोन कंडेंसेशन और अर्नेट एस्टर सिंथेसिस। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन पढ़ी, सबको अच्छे से आती है ना, आया ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही था, एक क्वेश्चन लिख लो बेटा। इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि हमारे पास है थायोफीन है और सब्स्टिट्यूटेड थायोफीन है COOH, रिएजेंट क्या ले रखे, सेम ले रखे, रिएजेंट क्या है, सेम रिएजेंट क्या ले रखे बेटा, सेम। तो यहां पे भी क्या होगा, CH2COOH। ठीक है, तो ये क्या थे, कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किसके, अर्नाट एस्टर सिंथेसिस के। किसके थे बेटा, अर्नाट एस्टर सिंथेसिस। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि ये चारों एक साथ ही देगा, क्या कर सकता है, जो हमारे पास एसिड क्लोराइड बना था वो बना के दे दे और फिर रिएक्शन इन तीनों के साथ करवा दे, या फिर हमारे पास क्या बनता था, कीटीन से पहले जो इंटरमीडिएट बनता था वो बना के दे दे और फिर ये इंटरमीडिएट दे दे दो। तो डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, लेकिन अगर हमें मैकेनिज्म आता है तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। समझ में आया या नहीं, आया ना। ठीक है बेटा,
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है? थैंक यू सो मच बेटा।